मेडिकल टेस्ट। वीडियो में लड़खड़ाती चलती दिखी स्वाति। एमएलसी ने स्वाति के चेहरे पर अंदरूनी चोट आई। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सिविल लाइन्स थाने में विभव कुमार के खिलाफ बदसलूकी का केस दर्ज किया। पुलिस को 7 पेज की शिकायत दी। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में लिखा, विभव ने बिना उकसावे के कई लात और थप्पड़ मारे, गंदी गालियां दी और देख लेने की धमकी भी दी। स्वाति मालीवाल ने सूत्रों के मुताबिक पुलिस को बताया, विभव के चेहरे, चेस्ट और पेट और शरीर के निचले हिस्से पर उसने स्वाति को मारा। लिखा, मैं चिल्लाती रही, बहुत पेन में हूँ, मुझे छोड़ दो। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज की FIR। विभव के खिलाफ छेड़छाड़, आपराधिक धमकी देने और चोट पहुंचाने की धारा के तहत केस दर्ज। दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल की शिकायत के आधार पर पूरी घटना की बना रही है टाइमलाइन। सीक्वेंस के हिसाब से CCTV से होगी तलाश। देर रात स्वाति मालीवाल की हुई काउंसलिंग। मार पिटाई हरासमेंट के ऐसे आरोपों पर दिल्ली पुलिस करवाती है काउंसलिंग, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम केजरीवाल के PA विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस। स्वाति मालीवाल मामले में आज पेश होने को कहा। स्वाति मालीवाल के मामले पर प्रियंका गांधी ने कहा, किसी महिला पर अत्याचार होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। निर्मला सीतारमण ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, राज्यसभा की सांसद के साथ सीएम आवास में दुर्व्यवहार पर सीएम ने एक शब्द नहीं बोला। निर्मला सीतारमण ने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल आरोपी के साथ उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, स्वाति मालीवाल से कोई वैचारिक संबंध नहीं, लेकिन एक महिला के साथ अपराध हुआ है तो उसके लिए आवाज उठाना हमारा काम। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने विभव कुमार के साथ केजरीवाल और उनके परिवार के खिलाफ भी एक्शन की मांग की। कहा, सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए मामले में संज्ञान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से सवाल कर कहा, आपके रहते हुए आपके घर में महिला पर अत्याचार हो रहा था, आपने रोका नहीं। ANI को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल के बयान पर अमित शाह ने कहा, इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हो सकती। केजरीवाल ने इंडिया अलायंस के जीतने पर जेल न जाने की कही थी बात। ANI को दिए इंटरव्यू में बोले अमित शाह, केजरीवाल जहां भी जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद दिलाएंगे, कई लोगों को तो बड़ी बोतलें दिखेंगी। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर अमित शाह ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये क्लीन चिट नहीं है। 400 पार होने पर संविधान बदलने के सवाल पर अमित शाह ने कहा, बहुमत के दुरुपयोग का इस्तेमाल मेरी पार्टी का नहीं है, बहुमत का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। मुंबई में पीएम मोदी की रैली से पहले लगे पोस्टर और बैनर, सड़कों के किनारे लगे पीएम मोदी और बाला साहब ठाकरे के बड़े बड़े कटआउट्स। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा का बयान। कहा, पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर। दक्षिण चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तिमिलीसाई सुंदरराजन का बयान। बोली, पीएम मोदी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष विभाजनकारी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में गुर्जर और पहाड़ी समुदाय के डेलीगेशन से मुलाकात की, सिख डेलीगेशन से भी मुलाकात की। पहाड़ी समुदाय ने ST का दर्जा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। 150 से ज्यादा लोगों के दल ने आभार व्यक्त किया। अमित शाह के श्रीनगर दौरे पर उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाते हुए कहा, जहां बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही वहां कैंपेन छोड़कर 2 दिन के लिए गृहमंत्री का आना क्या अजीब नहीं लगता। महबूबा मुफ्ती ने भी उठाए सवाल, पूछा, 87 जैसे हालात बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? आज के युवा चुनाव से जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं, 87 जैसे हालात बने तो असर ज्यादा खतरनाक होगा। बीजेपी महासचिव सुनील शर्मा ने अमित शाह के दौरे को बताया गैर सियासी। कहा, पोलिंग परसेंट बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी और शांति व्यवस्था का रिव्यू हो रहा है। चंडीगढ़ में बीजेपी में शामिल हुए शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता रवि करण सिंह काहलो, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में ली सदस्यता। ओडिशा के खोरधा में एक वरिष्ठ नागरिक के घर वोट डलवाने पहुंची चुनाव आयोग की टीम। विकलांग और 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को उनके घर पर वोटिंग की व्यवस्था करवाई गई। लोकसभा से अब तक के 4 चरणों में 66.95% हुआ मतदान। चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर दी जानकारी। चारधाम यात्रा में मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियो शूट करने और रील बनाने पर लगी रोक। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। चारधाम यात्रा में VIP दर्शन पर रोक लगी, 31 मई तक बढ़ाया गया। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का फैसला। वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों को प्रसाद के रूप में पौधे देने की योजना। वन विभाग के साथ मिलकर श्राइन बोर्ड का प्लान। घाटकोपर होर्डिंग गिरने की घटना में गिरफ्तार मालिक भावेश भिंडे को मुंबई लेकर आई पुलिस। भिंडे की उदयपुर से हुई है गिरफ्तारी। कर्नाटक के हुबली में अंजलि हत्याकांड का आरोपी गिरीश उर्फ विश्वा गिरफ्तार। एक तरफा प्यार में 15 मई को घर में घुसकर अंजलि को चाकू से गोद कर मार डाला था।
अंजलि हत्याकांड में शिकायत को नजरअंदाज करने पर दो पुलिसकर्मी सस्पेंड, मेंडीगेरी पुलिस इंस्पेक्टर और महिला हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 29 में पुलिस मुठभेड़, बदमाश अजय उर्फ गोली को पुलिस ने ढेर किया। हिमांशु भाऊ गैंग का मेंबर था अजय। तिलकनगर में कार शोरूम फायरिंग केस में थी तलाश। दिल्ली में ही एक दूसरे एनकाउंटर में हिमांशु भाऊ गैंग का मेंबर अभिषेक उर्फ चूरन अरेस्ट। हत्या के साथ साथ दूसरे कई मामलों का है आरोपी। पटना के दीघा में मासूम छात्र का शव स्कूल के गटर से मिलने से बवाल। मासूम छात्र की उम्र महज 4 साल। आक्रोशित लोगों ने स्कूल में आग लगाई। असम के करीमगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक गाड़ी से 2 लाख याबा टैबलेट जब्त की। एक को गिरफ्तार किया। गुजरात के डांग में कल हुई भारी बारिश और चक्रवात से तबाही। कई मकान क्षतिग्रस्त। भारत दौरे पर त्रिनिदाद टोबैगो के पीएम कीथ रोवले मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैंस से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंध, अर्थव्यवस्था और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको फिलहाल खतरे से बाहर। गोली निकालने के लिए 3.5 घंटे तक चली सर्जरी। अमेरिका के टेनेसी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान। 3 लोगों की मौत। 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला मलबा। दक्षिण ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में बाढ़ का कहर बरकरार। अब तक 6 लाख लोगों को करना पड़ा है पलायन। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज होगी टक्कर। मुंबई में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच।